पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने आज मधुबन पुलिस अकादमी में 20-स्तरीय पुलिस कल्याण गोष्ठी में भाग लिया और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की। गोष्ठी में पुलिस कल्याण हेतु सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को अमल में लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि करनाल और मोहाली में हुई घटनाओं को देखते हुए सभी को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि करनाल में पकड़े गए आतंकियों से विस्तृत पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी बहुत कुछ वेरीफाई किया जाना है और जो जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए हम आसपास के राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सबको देख कर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है। और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, रेंज के आईजीज़, एडीजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का भरी प्रकार से सामना करें। इससे क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, और मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूछताछ में और हमें वेरीफाई करना है, और इसमें जो जो लोग शामिल हैं उन सबको जो है हमने जो है उनको उजागर करना है इसमें।